इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस के बारे में। ये एक बेसिक जो डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस है तीनों के बीच में, हमको इसको समझना होगा। और ये जो टर्म है फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस, ये आपको फ्रॉम 6 अप टू क्लास 10, ये हर जगह आपकी ज़रूरत की चीज़ है। इसलिए इसको बिल्कुल क्लियर कट, इसका कंसेप्शन आपका बन जाए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रायः हम लोग धोखा खा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर द गिवन पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज ए फ्रेज और इट्स ए क्लाउज और इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस। उसको डिस्टिंग्विश करने में हमें परेशानी होती है या फिर हम कभी कभी गलती कर बैठते हैं। तो आइए देखते हैं कि तीनों ही में, फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस में, जो एक बात कॉमन है वो ये है कि फ्रेज, क्लाउज एज वेल एज सेंटेंस, दीज थ्री टर्म्स दैट यू सी ऑन द बोर्ड, दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब प्रश्न है कि जब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये भी, यानी फ्रेज भी जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लाउज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो फिर फर्क क्या है, कि तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे कोई, हाउ वन कैन रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई ए ग्रुप ऑफ वर्ड, वेदर इट इज ए फ्रेज और ए क्लाउज, इट इज ए क्लाउज और ए सेंटेंस, कैसे फर्क करें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है पहले इसको हम समझने की फ्रेज क्या होता है। पहला है फ्रेज, फ्रेज एज यू नो, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इट डजंट हैव इट्स फाइनाइट वर्ब विथ इट। ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। जैसे ऑन द टेबल, अब इसको देखिए, 1 2 3 ऑन द और टेबल, ये तीन वर्ड्स एक साथ आए हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। विथ हिज फ्रेंड्स, ऑफ ब्लू कलर, ये सब में देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। ही हैज केप्ट द बुक्स ऑन द टेबल, ही केम विथ हिज फ्रेंड्स, आई फाउंड ए पेन ऑफ ब्लू कलर। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये, इसमें ना सब्जेक्ट है ना फाइनाइट वर्ब है, ये फ्रेज कहलाता है। आगे के वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि ये फ्रेज भी नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, वो फिर आगे के वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि फ्रेज भी ये तीनों तरह के नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज को कैसे पहचानेंगे। यहाँ आपको पहले जो बेसिक चीज़ है वो है कि फ्रेज को कैसे पहचानेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली दैट मीन्स समथिंग, समथिंग इल्स इट मीन्स, कुछ उसका मतलब निकलता है और ग्रुप ऑफ वर्ड है तो वो फ्रेज है। दूसरा है क्लाउज, सेकेंड है क्लाउज। क्लाउज एज यू नो इन द प्रीवियस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाउज, क्लाउज में जैसे पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि क्लाउज इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, लेकिन इट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ऑन, इसका अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, क्लाउज में जैसे कहे कि आई डोंट नो व्हाट ही सेज, ये कंप्लीट सेंटेंस है, आई डोंट नो व्हाट ही सेज। इसमें आप इसका एक हिस्सा देखिए यहां से आई डोंट नो को, और दूसरा हिस्सा देखिए व्हाट ही सेज को,
ये दो हिस्से में है, इसमें सब्जेक्ट है आई और ये है डू नॉट नो, ये इसका फाइनाइट वर्ब है, और दूसरे में सब्जेक्ट है ही और सेज उसका फाइनाइट वर्ब है। यानी क्लाउज क्या हुआ, बड़े सेंटेंस का एक टुकड़ा, बड़े सेंटेंस का एक पार्ट जिसका अपना सब्जेक्ट अपना फाइनाइट वर्ब, अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब होगा, ये क्लाउज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है ही, एक दो तीन चार वर्ड है इसमें, आई डू नॉट नो, चार वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड है, और इसके साथ इसका अपना सब्जेक्ट भी है, अपना फाइनाइट वर्ब भी है, ये क्लाउज है। व्हाट ही से, तीन वर्ड्स हैं, ही सब्जेक्ट है, सेज फाइनाइट वर्ब है, ये क्लाउज है। इस तरह से हम देखते हैं दोनों में फर्क कि फ्रेज में उसका अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, लेकिन उसका कुछ मीनिंग निकलता है, कुछ मीनिंग होता है, वो फ्रेज होता है। अगर उसका अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब है और बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा है तो वो क्लाउज है। फिर आगे चल के हम क्लाउज में देखेंगे कि क्लाउज में भी कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, फिर प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज होता है, वो फिर क्लाउज के चैप्टर में आएंगे तो फिर हम लोग उसके विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। और अभी तीसरा है सेंटेंस, ये सेंटेंस ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी ग्रुप वर्ड, जैसे आई गो टू स्कूल, एक दो तीन चार वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका भी अपना सब्जेक्ट है, अपना फाइनाइट वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, गो इसका फाइनाइट वर्ब है, तो अपना सब्जेक्ट और अपना फाइनाइट वर्ब है, लेकिन क्या है कि दिस वेरी ग्रुप ऑफ वर्ड डेपिक्स रिवील्स कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस बताता है, ये कंप्लीट सेंस बताता है, यानी पूरा पूरा मीनिंग बताता है, ये सेंटेंस कहलाता है। तो फर्क क्या हुआ, फ्रेज ऑफ वर्ड भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज भी जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, मीनिंग उसका होता है लेकिन सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब उसका नहीं होता है। क्लाउज में मीनिंग भी होता है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप देखिए व्हाट ही सेज, इसका इनकम्प्लीट मीनिंग है, जो वह कहता है, जो वह कहता है गलत है, जो वह कहता है सही है, कुछ भी तो कहना होगा, अदरवाइज जो वह कहता है ये इनकम्प्लीट सेंस का ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो ये क्लाउज दोनों तरह का हो सकता है, इसका कंप्लीट सेंस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट सेंस भी हो सकता है। जिसका कंप्लीट सेंस होता है वो मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज होता है, और जो इनकम्प्लीट सेंस वाला क्लाउज होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज को पूरा करने के लिए, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो क्लाउज आता है वो प्रिंसिपल क्लाउज होता है, फिर क्लाउज के चैप्टर में देखेंगे। और सेंटेंस इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड बट इट डिपिक्ट्स कंप्लीट सेंस, इट रिफ्लेक्ट्स कंप्लीट सेंस, ये पूरा पूरा मीनिंग बताता है। इट डजंट डिपेंड ऑन समवन एल्स, इट डजंट डिपेंड ऑन सम अदर क्लाउज, ये किसी दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड पर डिपेंड नहीं करता है, ये अपना ही कंप्लीट सेंस लेकर आता है, और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस कहेंगे। इस तरह से हमने फर्क देख लिया फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग क्लाउज की चर्चा करेंगे, ये क्लाउज चैप्टर 7, 8, 9 और 10 चारों क्लास के लिए है, और हम इसको ध्यान से देखेंगे। आई होप कि आप इसके पहले ये वीडियो आपके सामने जाए, आप उसे देखें, उसके पहले एक बार घर पर इसको क्लाउज चैप्टर को आप पढ़ लेंगे और इसको रिवाइज कर लेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, आपको उसे करना है। थैंक यू।